भागलपुर जिले के लाल सीआरपीएफ जवान राम बोल कुमार को वीरता पुरस्कार से नवाजा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने हाथों से उन्हें सम्मानित किया है। जम्मू कश्मीर में एक मुठभेड़ के दौरान उन्होंने दो आतंकियों को मार गिराया था, जिसके बाद उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। रामबोल कुमार गोपालपुर प्रखंड के सैदपुर पंचायत के बुद्धूचक के रहने वाले हैं। वो सीआरपीएफ में एसआई पद पर कार्यरत है। रामबोल कुमार ने 2 साल पहले कश्मीर में एक मुठभेड़ के दौरान जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को मार गिराया था और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया था। सीआरपीएफ द्वारा मनाया जाने वाला शौर्य दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से गृह सचिव अजय भल्ला ने इन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। इससे पहले भी रामबोल को 3 बार विभागीय पदाधिकारियों द्वारा पुरस्कृत किया गया है। 25 जनवरी 2019 को श्रीनगर के कानपुर में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली। वैली क्यूटी द्वारा संदिग्ध घर को कॉर्डन किया गया और सिविलियंस को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर रूम क्लीयरेंस की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाबी हमले में वैली क्यूटी ने अपने अदम्य साहस और शूरवीरता का परिचय देते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इस अभियान में इनके द्वारा प्रदर्शित अदम्य साहस एवं उच्च कोटि की वीरता हेतु इन्हें वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। पदक प्राप्त करेंगे उप निरीक्षक रामबोल कुमार। हवलदार विजय सिंह। सहिता देवी व शैलेंद्र चौधरी के लाल रामबोल ने वर्ष 2014 में सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर योगदान दिया था। रामबोल की वर्ष 2015 में बेसिक ट्रेनिंग पूरी होने के बाद फरवरी 2016 में इन्हें श्रीनगर में तैनात किया गया है। इसके बाद ये आतंकवादियों पर कार्यवाही करने वाली टीम में शामिल हुए। 10 एनकाउंटर में 50 से अधिक आतंकियों को मार गिराने वाली टीम में ये भी शामिल थे। वीरता पुरस्कार हासिल कर इन्होंने पूरा बिहार राज्य को गौरवान्वित किया है। वही रामबोल को मिले पुरस्कार से जिले के पुलिस वाले भी काफी खुशी से झूम उठे हैं। गोपालपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने कहा कि रामबोल को यहां आने पर सम्मानित किया जाएगा। भागलपुर से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।